मैनू उस गल का कोई गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं। हो सकता मेरे को गलतियां हुई हो सकता मेरे को कोई कमी रह गई होवे, तां तुसी वो एक्शन लिया, इते वरना कोई छेती कितने एक्शन नहीं लैंदा। मैं ते कहंदे अपनी ही मैं हर चीज नू मैं अपनी झोली च पानी हाँ, हर कमी नू मैं अपनी झोली च पानी हाँ, क्योंकि जे किसी ने मेरे खिलाफ किया भी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। मैनू कोई चिंता नहीं, निंदक हमरे कपड़े धोए, बड़ा कुछ कुछ व्यक्तियों ने कहा, पर बादल साहब मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां। इस परिवार को ना कभी आस है, ना तुसी कभी अपने जबान दे विच्चों एक शब्द बाबा प्रेम सिंह जी दी इस सेवादार नू कितें कह के मैनू यह जितलाया होवे कि मैं तुहाडे तों बाहर हां। टैलीफोन किते मेरे वीरां ने, बड़े टैलीफोन किते मेरे साथियों ने, रोज अद्धा अद्धा घंटा मेरे नाल विचारां कीतियां, और हर कोई बैठा होया इत्थे, हर कोई तुहानू कह सकदा है। डॉक्टर दलजीत सिंह जी चीमा वर्गे गवाह ने कि एक एक व्यक्ति ने यह मैं गल कही कि मेरे वीरो अज जे पार्टी च कमी आई है जिन्हें कारना करके आई है, आप सारे तकड़े हो गए अंबला मारीे। सिद्धांतिक तौर पर कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मैं तुहाडा वचन कर दी है गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च, ना कभी श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर होण देंगे, ना कोई पंथ दे सिद्धांतां नूं कमजोर होण देंगी। वह स्थान सचखंड श्री दरबार साहब का, श्री हरिमंदर साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 104 साल पहला बनी, 104 साल पहला संत बाबा प्रेम सिंह जी ने उन्हें होंद विच लियाउण वास्ते भी बहुत वड्डी मेहनत की, बड़ी कुरबानी की। बादल साहब 104 साल का इतिहास है तुहाडी इस सेवादार का, मेरे पुरखियां का, मेरे बुजुर्गों का। महापुरखा ने पहले दिन तो लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी लगातार 28 साल सेवा की, 28 साल किदां दूर हो सकते हैं, किदां बाहर निकल सकते हैं, किदां अपने जिन्होंने खून के कतरे बहाए होण, जिन्होंने सीने अपने पसीना बहाया होवे, की सेवा कभी बाहर नहीं जा सकती। साध सतगुरु जी पहली बारी 1937 एमएलए की चोन हुई, कैरों साहब बैठे है, पहली बारी 1937 संत बाबा प्रेम सिंह जी ने एमएलए की चोन ली, फिर दूजी चोन पाकिस्तान दे विच हुई 1946, फिर चोन लड़ी, दोनों चोणा श्रोमणी अकाली दल वालों। बाबा हरनाम सिंह जी ने एमएलए बने, मिनिस्टर बने 1969 बादल साहब के नाल, वड्डे बादल साहब सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नाल, और 12 साल मैंबर SCPC रहे। कितना छड़ सकते हैं, नहीं दूर हो सकती, मर जावांगे, पथ नालों कहीं टुट नहीं सकती। साध संगत जी ए मेरे वीर मैं पुछते होंगे सी बीबी जी फैसला की है, चोणा नगर पंचायत दियां आ गई, क्यों चिंता करते हो, चोणा लड़ांगे। कहिंदे निशान कित्थों लै गए, कित्थों लाओगे, मैं क्या आपे दे दूंगा, सदा चर कहांगी चीमा साहब नूं बादल साहब दे साइन करा के भेज दिओ, मैनू नहीं देनी टिकट, ना दिओ नगर पंचायत दे चोण लड़ा ला। तुहानूं पता होवेगा नगर पंचायत पिछे चोणा होईआं, जो चोणा होईआं पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर लाता सारे पंजाब दे विच, बादल साहब सारे पटियाले तो चल के जित कित्थे होई आके इस बेगोवाल च। एक कमेटी बनी सिर्फ श्रोमणी अकाली दल की, एक कमेटी, प्रधान बैठा होना मेरा इतने लाडला जिहा, ओ बैठा एमए पढ़िया होया सरदार रजिंदर सिंह जी, सारे MC जित के एक कमेटी बनाई। किसी ने कांग्रेस, किसी ने पूछा पत्रकारा ने जिदा हुण बैठे है, कहिंदे कैप्टन साहब सारिया कमेटियां हार गई, स्टॉपेज जाके बेगोवाल लगा, उन्हें कहा उत्थे दा स्थान बड़ा उच्चा। मैं जानता कि चलो संत बाबा प्रेम सिंह जी साढ़े बजुर्गों चोन लड़ाते होंगे सी, राजा जादविंदर सिंह का बाप का बड़ा प्यार सी, सिमरनजीत से मान चोन लड़ते होंगे सी, तो उस वेले बाबा जी कहते सी एक वोट ते एक नोट पायो, जोगिंदर सिंह मान नू एक वोट ते एक नोट, यह परंपरा है साढ़े इलाके की, यह परंपरा है संत बाबा प्रेम सिंह सेवकों की, यह परंपरा है कि कभी इन्होंने मेरे को बोझ ही नहीं पाया। और मैं सच कहनी है गुरु ग्रंथ साहिब हजूरी च कि बीबी जगीर कौर कोई चिंता नहीं होंगी, ना कोई इंडस्ट्री है,
ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मॉल है, ना कोई शैलर है। बादल साहब सारा कोई संगत का प्यार है कि चोणा लड़ती भी है, चोणा जितती भी है, तो इन्होंने जिन्ना साथ दिता कभी मेरे ते बोझ नहीं पिया। क्यों? क्योंकि मैंने मन च वसाया होया। दो चार बंदियां नूं थोड़ा जिहा शरारती लोगों ने हाथ लाता, आवाज जी देती, तुसी चक्को चंडा है। कोई नहीं हिलिया, मेरा वर्कर कोई हिलिया नहीं। कहिंदे नहीं, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने सेवा की, अकाली दल च रहांगे, लेकिन जब तक बीबी जी अगे नहीं लगन गए असी घर विच बैठांगे। मायूस सन, बड़ी चिंता सी मन च इन्हां दे, पर मैं इको गल कहिंदी सी, चिंता ना करो, 27 दी चोण आउणी है, लड़ांगे। ना भी बादल साहब टिकट देणगे आजाद लड़ लांगे, ना टिकट देणगे ना सही आजाद लड़ लांगे। मैनूं पता सी, लोगों को पता अकाली है, वोटा पा ही देंगे। पहला पिछली बारी तो मैं हार ही गई सी, केड़ी गल है। सब मेरा जी करता मैं बहुत गल्ला करा, पर मैं हुण करनिया नहीं। मैंने पता बादल साहब का थोड़ा थोड़ा मन ना, जरा जो मैं बोलन रही है थोड़ा थोड़ा चिंता करता होना कि बीबी कोई ओही गल ना कर, नहीं कर, नहीं करती। मैंने पता है इहदा सुभाअ है, क्योंकि महसूस करते होंगे है, महसूस बहुत छेती कर जाते, बहुत छेती। प्रधान भी लाडला, असी भी लाडले, असी ऐ ही लाडले, एक दूजे का सत्कार भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, तो एक दूजे का खुश भी बड़े होंगे। मैं कई बार फोन पर कहे बीबी जी भावे तुम रुस्से ही हो ना, अठा के दिन बाद मैं फोन कर लिया करो। मैं की गल, जयपुर सी मैं, कहते उदा ही जरा एनर्जी जी मिल जाती, तुम बाबा प्यार दल कर लें। सो साडा असी वक्रे हो नहीं सकते, कारण ताई लोग नहीं सी मनते, ताई कहते बीबी बीबी कितने छड़ सकती है, बीबी नहीं वक्री हो सकती। बादल साहब इको बेनती है, अंदर दर पार्टी का दर्द है, अंदर उस धार्मिक संस्था का दर है। मेरी श्रोमणी कमेटी, कौम की श्रोमणी कमेटी कमजोर ना हो, तुहाडी जिम्मेवारी है। मैं इत्थे नहीं कुछ भी कहना, अंदर वर के तुहाडे नाल सब वास्ते पाऊंगी, पहला भी पाती रही है, हुण भी पाऊंगी। तुसी मैनूं पता है तुसी चिंता करते हो, तुहाडे मन च है पार्टी कमजोर हुई। तुसी कहिंदे हुंदे हो नक दी सेहत नाल तकड़ी दिसदी है, नहीं कमजोर होनी चाहीदी। सो साध सिंह जी आओ, आने वाले समय च जे मैं जे तुहाडी सेवादार ने कोई शब्द वध घट बोल लिया होवे, कोई तुहाडी शान दे खिलाफ बोल लिया होवे, कोई तुहाडी इज्जत दे सत्कार दे खिलाफ बोल लिया होवे, मैं खे मारी जा चुका, क्योंकि कई बारी बलबले होंगे है, बहुत कुछ कह जीता, तुसी महसूस नहीं करोगे। मैं अपनी सारी संगत को खिमा नहीं जा चुके, मेरिया भैन बाल साहब बड़ी मेरे मन से बोझ सी, घर बह गई हैं। मैं कह नहीं नहीं बहन देना, सारे चलो। अज सारा काफिला आया, कहन लगे ना जो पार्टी छड़नी ही नहीं, जो अकाली दल छड़ना ही नहीं, तो असी फिर घर बैठ के प्रचार अकाली दल का करना है, तो सारे चलो काफिला बन के तुरीए, जिदा चीमर साहब ने किया। अज काफिला बन के तुरन लगा, तकड़े होके तुरंगे। तो मैनू आस है सरदार सतपाल सिंह जी रिची बादल साहब का, मेरे संगतां दा तुसी सबर कित्थे तक देखोगे, कित्थे तक देखोगे। सरदार सतपाल सिंह रिची जोर ला के मर गए सारे, चल बीबी जगीरको दा इलाका सांभ। धन्नवाद रिची साहब, खड़े हो जरा। कहिंदा हो नहीं सकता बाबा जी दा स्थान छड़ दईए, हो नहीं सकता। पर जड़े शरारती सी बाहरों बाहरों लुत्तियां लाउण वाले, वो इंचार्ज लगन नूं भज पए, जिहड़े मगर भावें कोई होवे जां ना होवे। बादल साहब मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, वड्डे बादल साहब ने इस इलाके चिड़ी नहीं फड़कन दित्ती, चिड़ी फड़क किदां जावे, इत्थे चिड़ी नहीं फड़क सकदी। साडे सारे वर्कर इकट्ठे है, किसे दे पिछे नहीं लग सकते। मत सोचियो कि किसे नूं नीमा दिखाउण वास्ते, बीबी जगीर कौर नूं खत्म करन वास्ते कोई इत्थे वागडोर। यह मैं कह सकती है अकाली दल इस अस्थान तो बिना जितना बड़ा औखा है, भावें जो मर्जी होए। ताई सतपाल सिंह रिची ने कहा जितेगा तो इस अस्थान तो जितेगा, जितेगा तो इतों ही तकड़ा होएगा, नहीं तो नहीं जित सकता, क्योंकि पंथ की यह जमात का धुरा है। ये धुरा उन्होंने शरारतियां पिछे लग के कोई गल ना सोचा करो, उते लोग
तो इतने हर इलाकों के चाहती है कि कोई इतने ग्रुप बन, ग्रुप ना बन दियो, असी बर्दाश्त नहीं करना, असी कर ही नहीं सकते। इतने सब कट्ठे है, एक झंडे थले है, खालसा पंथ के झंडे थले, संत बाबा प्रेम सिंह के झंडे थले और श्रोमणी अकाली दल के झंडे थले। बाकी गल्लां तो अंदर बैठ के कर लेंगे। एक मैं कहना, गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च कहनी है, एक भी ओहदे की मेरी मंग नहीं, कोई पदवी की मंग नहीं, किसी भी टिकट की मेरी कोई मंग नहीं। कई मैं पूछते हैं केड़ियां केड़ियां तुसीं शर्तां रखियां, कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। बाल साहब पार्टी दे सी, पार्टी दे हां और पार्टी दे रहना। अकाली सी, अकाली सी, अकाली हां, अकाली रहांगे, यही नारा रहा सदा हर एक दा। इस करके अज तुसी मान देना आए हो, सत्कार देना आए हो। जो तुसी गल कहिंदे सी ना कि मैं माफी मंगदा, इत्थे तीर बंगो बजदा सी। मेरे श्रोमणी अकाली दल प्रधान होवे, सिर मौत संस्था श्रोमणी कमेटी असी उहदी सेवा करदे होईए, श्रोमणी अकाली दल दा प्रधान दी दुनिया विच सिर उच्चा होवे, ताकत होवे, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਬਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰੀਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ डेडिकेशन ਨਾਲ, ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੰਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਪੰਥਕ ਸੰਵਾਦ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸੰਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਬੇਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨੌਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਸਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਸ ਨਸਲ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੇਵਰੇਟ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਘੋੜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਤੇ ਦੀ ਨਸਲ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਮਠੂਈਆਂ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡੋ ਪਦਾਰਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ।